महुली ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने पुलिस की लापरवाह कार्यशैली के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मालूम हो कि महुली ब्लॉक पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी श्याम किशोर एवं पिपरामा ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि रामजी वर्मा एवं राकेश वर्मा के मध्य शौचालय बनाने को लेकर मारपीट हो गई थी। ग्राम पंचायत अधिकारी श्याम किशोर का आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि ने शौचालय मद से आया रुपया तो निकाल लिया, लेकिन पात्र व्यक्तियों को अभी तक शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी एवं समन्वय समिति महोली ब्लॉक के मंत्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। साथी कर्मचारी श्याम कुमार हैं, इनके साथ ग्राम पंचायत टिपरावा के पुत्र रामजी वर्मा ने 9 तारीख को ब्लॉक के कंप्यूटर कक्ष में जम करके मारपीट की। वजह ये थी कि इन्होंने शौचालय की जो धनराशि पूर्व प्रधान और पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी ने निकाल ली थी उसका अभी तक उपभोग नहीं किया था, न उपभोग के सापेक्ष सूचना जमा की थी। इस संदर्भ में ये प्रधान से बातचीत कर रहे थे, इस पर प्रधान पुत्र को आपत्ति थी तो प्रधान पुत्र ने इनको कंप्यूटर कक्ष में ही बड़ी बुरी तरीके से मारा और पीटा, जिसके क्रम में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। लेकिन पुलिस बड़ी ही धीमी गति से जांच कर रही है और दोषी लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अतः हमारा पूरा संगठन इस घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार एवं धरने पर है और तब तक बैठा रहेगा जब तक उनकी गिरफ्तारी और झूठे आरोपों की जांच 3 सदस्यीय समिति के द्वारा नहीं करा ली जाएगी।